हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित फार्मासिस्ट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्लोफेन एसपी टैबलेट के बारे में। जानेंगे फ्रेंड्स कि किन किन समस्याओं में रेफ्लोफेन एसपी टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जानेंगे इसके यूजेस, डोज, कंपोजिशन और साइड इफेक्ट और प्राइस रेट के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी मेडिसिन का सेवन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही उस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें रेफ्लोफेन एसपी टैबलेट के बारे में, तो फ्रेंड्स ये टैबलेट मार्केट में रेवोलिस हेल्थ केयर कंपनी द्वारा आती है। और फ्रेंड्स, बात करें इस टैबलेट के प्राइस रेट के बारे में, तो फ्रेंड्स इस टैबलेट की एक स्टीम में 10 टैबलेटें निकलती है, जिसका प्राइस रेट मात्र 81 रुपये होता है। यह टैबलेट आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़े आसानी से परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें रेफ्लोफेन एसपी टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, तो फ्रेंड्स रेफ्लोफेन एसपी टैबलेट को बनाने में 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, एस्क्लोफेनक, पैरासीटामॉल और सेटियोपेप्टिडेस। इस टेबलेट में एस्क्लोफेनक की क्वांटिटी 100 mg होती है और पैरासीटामॉल की क्वांटिटी 325 mg होती है और सेटियोपेप्टिडेस की क्वांटिटी 15 mg होती है। इन तीन इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर से फ्रेंड्स रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट को बनाया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट के यूजेज के बारे में, तो फ्रेंड्स रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट का उपयोग बुखार में, सर दर्द में और हाथ पैरों के दर्द में किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस टेबलेट का उपयोग यदि कंधे में दर्द हो रहा हो, या बदन में दर्द हो, या पीठ में दर्द हो, ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, शरीर में किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट का इस्तेमाल करने से जल्द फायदा मिलता है। दर्द संबंधी समस्याओं में इस टेबलेट का उपयोग काफ़ी लाभदायक होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस टेबलेट का उपयोग यदि पथरी की वजह से दर्द हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और दांत में दर्द हो रहा हो तो तब भी इस टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इन सभी समस्याओं में फ्रेंड्स रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट का उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट के डोज के बारे में, तो फ्रेंड्स रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट की डोज व्यक्ति के उम्र तथा बीमारी पर निर्भर करती है। आमतौर पर रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट की डोज को एक एडल्ट पर्सन एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद ले सकता है। फ्रेंड्स, डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट का सेवन करने से कुछ सामान्य से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स उल्टी होना या मतली या कब्ज की प्रॉब्लम हो जाना या जी घबड़ाना, ये सब इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रेफ्लोफेन एसपी टेबलेट का सेवन करना चाहिए।